गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अनदर फैमिली ब्लॉग। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। भारद्वाज जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी। क्यों जा रहे हैं बताना चाहोगे फ्रेंड्स को? क्योंकि आज हमारे चाचा जी की है बरसी, और उनका जो भी संस्कार होता है एनुअली, वो बरसी के लिए हम जा रहे हैं हल्द्वानी। हे गाइस, तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, नमस्ते गाइस, कि सैंडविच की फुल फॉर्म क्या है कमेंट में बताना। और गाइस, आज हम आपको अपना कार टूर दिखाएंगे। रुको, आप बता सैंडविच के बारे में। आज क्लास नहीं करनी पड़ी। और गाइस, यहाँ पर बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है। अच्छा, ठंडी हवा? वो बेटा एसी की है। झाड़ियाँ कैसे हिल रही है? क्योंकि गाड़ी बंद है ना, तो हवा करने लगेगी बाहर की। झाड़ियाँ हिल कैसे रही? खिड़की तो अच्छा, हवा की वजह से। ऐसा है क्या, आपने वो आपको पेड़ और पौधों उसको झाड़ियों को देख के आइडिया लगा लिया कि हवा बाहर की बहुत ठंडी चल रही है? लेकिन तो आपको तो लगी नहीं होगी बाहर की हवा, क्योंकि यहाँ तो एसी चल रही है, गाड़ी बंद है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। क्या बात है, अब ये मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मैं आ गई हूँ। आप कहाँ पे, कहाँ की, कौन सा एरिया आप बोलते हैं इसको, कौन सा है? हल्द्वानी चौक, ये है एडीएम कोर्ट। एडीएम कोर्ट, हाँ। फ्रेंड्स, ये हमारे चचा जान है, ये एसडीएम कोर्ट के बाद फ्रूट्स का रेडी लगाते हैं। बहुत शानदार फ्रूट्स हैं इनके, और बहुत ही मजेदार इंसान है। एक बार आप इनके यहाँ पर जरूर आके इनसे मिले, और मैं डेफिनेटली आप बहुत प्रसन्न होंगे। ये इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा एंटरटेनमेंट है। मैं हाय, नमस्ते। और हम हल्द्वानी पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी अपनी चाची जी के यहाँ। ये है पंडित जी। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुंदर पांडे। सुंदर पांडे, ये है पांडे जी। ये आज हमारे यहाँ करेंगे शांति हवन, और जो भी संस्कार रहेंगे इन्होंने, उस समय भी इन्होंने ही किए थे एक साल पहले, अभी भी यही कर रहे हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, का डालने से क्या होगा, जहाँ पर ऐसा परंपरा अभी गलत है, लेकिन जब बनी थी, जैसे तुम्हारे ये बनी थी, वैसे हमारे यहाँ भी तब अलग थे। तब तांबे के सिक्के चलते थे, तांबे के जल में पात्र ग्रहण करने से पानी प्योरिफिकेशन होता है, ये एक साइंटिफिक मेथड है। तो तब तांबे के सिक्के चलते थे, इसलिए पानी में डाले। अभी अभी लोहे के सिक्के गलत है, बदलनी चाहिए, हम एग्रीड है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है घड़ी में 6:30, और हम लोग अभी घर के लिए, रुद्रपुर के लिए निकल रहे हैं। और चाची जी से तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में, आगे मिल लिए होंगे। ये हमारी चाची जी, और ये है छोटी ननद। हेलो, हेलो चाची, हेलो। तो चलो हम लोग निकलते हैं, मिलते हैं आपको रास्ते में। जंगल जंगल में गाड़ी, ऊपर घने पेड़, अचानक से आवाज आती यार, और वहाँ पर दिखती एक बड़ी सी हवेली। उस हवेली में से एक निकलता चौकीदार। फ्रेंड्स, पता है ये सामने जो आगे आपको दिख रहा है, बाइक वाला तो जा रहा है, मेरे को दूसरे लगा कि साइकिल वाला जा रहा है। जबरदस्ती चिल्ला रही है, साइकिल वाला बच के चल। ये देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी में आपको डॉगी उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि मिरर में से दिख रहा है, ये सीधा बैठा है।
देखो दो दो डॉगी हैं, एक सीधा एक उल्टा। मजे आ रहे हैं? हाँ जी भरद्वाज जी, मजे आ रहे हैं? कैसा लग रहा है रात को ड्राइविंग करने में? मजा आ रहा है? हाँ जी यस। तो दूर तक चले? चलो अभी दूर और कितनी दूर जाना है? तो दिल्ली चले? दिल्ली नहीं, दूर तक चले कहीं जंगलों में। जंगलों में तो है ही, और कौन से जंगल में? जंगल में पैदल चलेंगे? जंगल में अभी तक गाड़ी से चल रहे हैं जंगल में। मंगल डर लग रहा है, बता नहीं सकते। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ये टूर? बताना जरूर, के बीच में है। बताना जरूर, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना मनुआ के डरने के ऊपर। बहुत डरती है ये। मुझे आज पहली बार पता लगता है ये इतनी डरपोक है। हमेशा बोलती है मुझे कभी डर नहीं लगता, मुझे कभी डर नहीं लगता। मैं ही डरता हूँ वैसे तो हमेशा इससे। आज पहली बार लगा कि ये भी डरती है किसी से। यार इतने जंगल में यार डर नहीं लगेगा तो क्या? अब तो नजदीक आ गए, अब तो जंगल लगभग निकल चुका है। इतना डर आ चुके हो और फिर बोल रहे हो अब तो नजदीक आ गए, जंगल निकल चुका है, डरने की जरूरत नहीं है। ओ भाई ये देख टुटो कैसा लग रहा है। इसी रोड पे जा रही थी, उसका हाथी आ रहा। ओ यार ये देखना पैदल जा रही है आंटी रात को। ये आदिवासी महिलाएं हैं जो रात को लकड़ियां काट के अपने घर के जंगल में रहती हैं। यार ये रात को पैदल कैसे चल लेती है इस वाले रोड पे? ये तुम्हारी तरह नहीं है, फ्लैटों में रहने वाले जंगलों में डरते हैं, जंगलों में रहती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग हल्द्वानी से वापस आ गए हैं घर में अभी अभी। तो फ्रेंड कल हम आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। और मेरी मम्मी के चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए और जो बेल आइकन है वो भी दबा देना कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। कमेंट जरूर करें सर मैडम, फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अब मैं आपको मिलती हूँ कल एक नई एनर्जी के साथ। तो अभी मैं ब्लॉग का करूँगी एंड। अंकल मुझे बोल रहे हैं कि खाना बनाओ अच्छे से, रोटी सब्जी बनाओ। मैंने कहा नहीं मैं बहुत थक चुकी हूँ तो मैं सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी। और फ्रेंड्स चलिए ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।